अच्छा अभी ताजदार हरम आतिफ असलम ने भी कोक स्टूडियो में पढ़ी है, सुना है किसी ने? आपको क्या लगता है क्या इंसाफ कर पाए? मैं ये समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं की उन्होंने, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझसे पूछ के गाई, ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इजाजत ली, इजाजत के भाई, और इजाजत पे तो वैसे भी आप बहुत अभी पिछले दिनों बड़ा जब बजरंगी भाईजान और ये भी तो आपने बकायदा इत्तेजाज किया कि ये क्यों, और होना भी चाहिए, होना चाहिए। देखिए इत्तेजाज था ना, वो इत्तेजाज ये था कि अगर आप हमसे पूछ लेते बिल्कुल तो मैं आपको मना थोड़ी, और यकीनन ये तो बड़ी खुशी की बात थी आपकी थी, और वो बड़े फखर की बात होती है कि यार हमारी चीज इतनी कोई अच्छी है कि जिसके लिए लोग तड़प रहे हैं कि हम उसको शामिल करें। आतिफ असलम की अगर हम बात करते हैं तो कव्वाली सुनने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि यार आतिफ असलम ने इसको थोड़ा सा ये कर दिया या वो कर दिया, जो बहुत अपनी अपनी ओपिनियन है लोग, लेकिन मैं उनको यही समझाता हूँ कि चलिए कोशिश तो की, उसने कोशिश की और उस कोशिश की वजह से ये यंगस्टर्स है ना उसमें वो कव्वाली दोबारा से रिवाइव होगी। बिल्कुल, अगर मैं कोई आतिफ असलम का गाना गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ बहुत गाने गाता हूँ आतिफ असलम, ना जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है मगर फिर भी तेरी याद क्यों आती है ना जाने कब से। अली जफर के गाने बहुत पसंद है, हमारी टैलेंट बहुत है बिल्कुल, और अली जफर का तो वो जब दो तीन गाने तो ऐसे हैं कि मुझे इतने ज्यादा पसंद थे कि मैं बहुत ज्यादा सुनता था, मसलन चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे दुनिया झूठी लोग लुटेरे, ये बात चल दिल मेरे। अच्छा आपको लगता है कि अब जो कव्वाली का एक दोबारा से कोक स्टूडियो की वजह से भी काफी लोग वापस आए, बहुत सारे ऐसे कव्वाल जिनको हम नहीं जानते थे, कोई चंद ही नाम थे, नुसरत फतेह अली खान साहब, साबरी ब्रादरान, मतलब इस फैमिली में ही ये रहे, अब बहुत सारे नए लोग भी नजर आना शुरू हुए, आपको क्या लगता है कि ये जब इस तरह नए लोग और उनकी फैमिली शामिल होती जाएंगी तो एक दफ़ा फिर से जिंदगी मिलेगी? मैं वैसे तो खैर मैं ये कोशिश करता रहा और मैंने ये कोशिश की, मैं ये समझता हूँ कि मैं 98% कामयाब हो गया यंगस्टर्स को कव्वाली सुनाने में। जब मैंने कव्वाली शुरू की थी 96 में तो दो दो तीन तीन साल के वक्फे से मेरे वालिद साहब या अजीज़ मियाँ साहब या नुसरत फतेह अली साहब खाली के हकीक़े से जा मिले, इस दुनिया फ़ानी से चले गए, कव्वाली बिल्कुल मर गई थी, डेड हो गई थी। मैंने ये कोशिश की कि इस कव्वाली को रिवाइव किया जाए, क्योंकि कव्वाली जो है ना, आप यकीन करें कि यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप या अमेरिका जो भी आर्टिस्ट जाते हैं, फोक सिंगर होते हैं, बिल्कुल, लोक सिंगर होते हैं, गज़ल सिंगर होते हैं, बिल्कुल, वाहिद कव्वाली ये सिंफ है जो मेरे वालिद साहब ने करवाई, कव्वाली म्यूज़िक फ्रॉम पाकिस्तान, सिर्फ कव्वाली के लिए पाकिस्तान के साथ वो आता है, बाकी लोक सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, गजल सिंगर हैं, से भी किसी भी उससे आए, पाकिस्तान से लोक सिंगर आए या पाकिस्तान से फोक सिंगर आए, लेकिन कव्वाली म्यूजिक फ्रॉम पाकिस्तान ये सिर्फ साबरी ब्रदर्स का काम है कि जो कव्वाली को पाकिस्तान की जो पहचान दिलवाई पूरी दुनिया में, बिल्कुल, ये कव्वाली का नाम ही पाकिस्तान के साथ आया। आप लोग अभी मिले थोड़ी देर पहले अमजद भाई के बच्चों से, और अब मैं आपको मिलवा रही हूँ अमजद भाई जिनके खुद बच्चे यानी कि उनकी वालदा और फिर उनके खूबसूरत बच्चों की वालदा यानी कि उनकी मिसेस से भी, जनाब सानिया कुमार जी, वालेकुम सलाम, और ये अमजद भाई की मिसेस हैं, सानिया भाभी कैसी हैं आप? ये आपके लिए माइक है ना। अच्छा पहले यहाँ से शुरू करते, जरा गुफ्तगू है ना, जरा किससे इनके पास होंगे कि ये बचपन में कैसे थे, ऐसे शरारती दिल फेंक से थे, कोई भी लड़कियाँ वड़कियाँ फंसाई होंगी मोहल्ले में, लाता बाद में इन्होंने आती होंगी शिकायतें आपके पास, ये काम मोहल्लेबाजी कभी नहीं की, हम मोहल्ले में यानी कि किया, भाभी सुन ले, नहीं अभी इन्होंने कहा मोहल्ले में नहीं किया, दैट मीन्स कि बाहर किया, भाभी मेरा काम है सिर्फ, अच्छा बाहर किया तो कोई मसला नहीं है। ओहो जी आंटी, हम घर में खानदान में ऐसे हरकतें नहीं करते, और कभी कोई शिकायत नहीं करनी पहुंचा आप तक भाई अमजद ने तो देखिए ये पत्थर के साथ एक लेटर आया था हमारे घर, लेटर का नहीं भेजा, आया होता गाड़ी का शीशा टूट गया या शैतानी कर रहे हैं, अच्छा या शोर मचा रहे हैं, ये इस तरह की शरारतें बहुत की इन्होंने, ये गलियों के शीशे वगैरह शीशे टूट गए, ओ हो हो या भाई गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, देखें आपके बेटे ने, फिर आप क्या कहते लगवा देंगे कोई बात,
कोई ऐसी डांट याद है आपको जो अमृत साहब को डांटा हो आपने अमृत भाई को? अमृत भाई को डांट भी गई, मेरे परसों भी डांट दिया। ये बात तो है। अच्छा ये बताएं कि बहू की साइड आप लेती हैं या वो अपनी बीवी की साइड लेते हैं? सच सच आज हो जाए, आज हो जाए। अरे ये तो पता ही है। वैसे तो कोई बात नहीं हुई कि जो मैं साइड लूं या ये कुछ ज्यादती हाँ। कर रहे हैं हाँ। या मैं कुछ ज्यादती कर रही हूँ हाँ, वो साइड ले हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है हाँ। वैसे ये माशाल्लाह अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो तो कोई बात सुनते नहीं है, वैसे उनके खिलाफ सुनते हाँ। कुछ नहीं है। ओहो भाभी ये तो बताइए ऐसा क्या है, वो तो हमें देख के अंदाजा हो रहा है, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो तो वैसी वो तो मतलब घन चक्कर आपके गिर रहते होंगे। नहीं ऐसी तो कोई नहीं, वैसे ही है, मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा लव मैरिज थी? ओफो, अब तो जरा लाइए दोबारा मार्क। जब पता चला लव मैरिज थी तो क्या रिएक्शन था आपका? हम तो अपने खानदानों में घर में होम करते हैं शादी। तो खानदान की है? नहीं खानदान, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, पठान है। अच्छा वही तो मैं कहूं, फिर जब पता चला पसंद कर लिया तो भाई अम्मी मैं यही करवाऊंगा, मैं यही करवाऊंगा, जिद करते रहे, लड़ते रहे, रोते रहे, हम लड़ते रहे, एक दिन इनकी जिद फिर हमें माननी पड़ी, मंजूर कर ली। चलिए ज़बरदस्त जनाब। और मैं कहती हूँ कि ये सीरियसली मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वालदैन जब तक आपके हयात हैं, आपके सर पर, मौला सबके वालदैन को उनके सरों पर सलामत रखे, आप तब तक ही अपने ये नखरे उठवा सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं तो अपनी माँ को बड़ा मिस करती हूँ, क्योंकि वो जो नखरे अम्मी के दौर में मैंने उठवाए हैं अपने, अब वो कोई उठाने वाला नहीं है, सब भाई बहन बिजी हैं। हम आज तक अपनी अम्मी के सामने अपने नखरे उठवाते हैं। यही तो है। और मौला इनका साया हमेशा सरों पर सलामत रखे, क्योंकि ये जो दुआ के हाथ है ना, आप तो बड़े लकी हैं कि आपके पास माँ है ना। हाँ जी, ये तो बताएं कुछ थोड़ी सी पुरानी यादों में जाएं। पुरानी याद में से क्या, जब इनके वालिद साहब हयात थे, अब्बा जब हयात थे, क्या ये बताइए कि आपकी क्या फरमाइशें चलती थी? ये भी तो होगा, पता हमें चलेगा। हमने कभी कोई फरमाइश नहीं की। अरे हमारी बगैर फरमाइश सब चीज हमें हासिल हो जाए। अरे ये यकीनी बात, बनावट तो हमारे में है नहीं बेटा, वो तो दिख रही है ना, हम तो सीधे साधे और सच्ची बात करने वाले। सही, हमने कभी फरमाइश की नहीं, और हमें अच्छा ही नहीं लगता था भाई। आजकल तो खैर दौर माशाल्लाह से हम मॉडर्न दौर हमारे सीधे से, सही, तो हमें अच्छा ही नहीं लगता था कि हम ये कहेंगे लो हमें फला चीज़ दो या हमें पैसे चाहिए। हाँ, हम अपनी इंसलेट। अच्छा मैं ये पूछ रही थी कि तब उनके दोस्त अहबाब भी होते होंगे, वो भी गाए बगाए किसी भी वक्त घर में आ गए। हाँ। फिर खाने का एक दौर चल रहा है, चाय का दौर चल रहा है, ये सब चीज़ें, क्योंकि तो बहुत होता था पुराने दौर, बहुत था।